मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपका दिन और आप अपने दिन को कैसे बना सकते हैं खास, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कुछ ज्योतिषी उपाय जिन्हें जमाने से जाग जाएगी आपकी सोई हुई किस्मत। तो आइए शुरू करते हैं आज का खास सफर। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 17 मार्च 2023, दिन है शुक्रवार, सूर्योदय हो चुका है सवेरे 6:28 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:30 पर, चंद्रोदय होगा सुबह 3:19 पर, चंद्रास्त होगा दोपहर 1:36 पर। आज चंद्रमा रहेगा धनु राशि में। कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, वरियान योग है और शुभ मुहूर्त है 12:06 से लेकर के 12:53 अपराह्न काल तक रहेगा। राहु काल है सुबह 10:59 से लेकर दोपहर 2:29 तक रहेगा। पश्चिम दिशा का दिशा शुक्र है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आज चंद्रमा धनु राशि में है। धनु राशि देव गुरु बृहस्पति की राशि है। जब चंद्रमा बृहस्पति की राशि पर होता है तो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है और अपने सारे कार्यों को महत्वपूर्ण तरीके से करता है। टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर अपने कार्य क्षेत्र में लग जाइए, आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। नौकरी प्राप्ति के लिए दिन है आज आपके लिए, सफलता का दिन है। राहु काल में किसी कार्य की शुरुआत न करें, दिशाशूल में यात्रा करने से बचें। शुभ मुहूर्त में अगर कोई भी नया कार्य करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमल वासिन्यै स्वाहा। ये जो महामंत्र है यह जगत की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी का मंत्र है। यदि आपको आर्थिक रूप से संकट है, परेशानियां हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी धनागम नहीं हो रहा है, अर्थ को लेकर के परेशान है, चूंकि यह अर्थ प्रधान युग है, अर्थ की प्रधानता है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, तो आज के युग में अगर आपको लगता है कि आर्थिक रूप से संपन्न होना है, समृद्ध होना है, तो आपको जगत के अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। यदि कुंडली में धन की स्थिति खराब है, इसके बावजूद भी अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी माली हालत अच्छी होगी। इस मंत्र का जप कैसे करना है, आप क्या करें, कमल गट्टे का माला ले लें और इसे एक माला तीन माला प्रतिदिन जपा करें और आप श्वेत रंग का वस्त्र धारण करें माला जपते समय, देखेंगे कि आपकी माली हालत अच्छी होगी। आज शुक्रवार है और ऐसी मान्यता है कि आज माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं।